इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबको, सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे। देखिए, ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे, उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान